बच्चों के इंटीजर्स है उसका इंट्रोडक्शन। कुछ टर्म्स पढ़नी है हमें। फर्स्ट आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि उनका कोई एंड नहीं है। होल नंबर्स में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, यानी कि उसमें 0 ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव टर्म्स भी आती हैं। सो बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर्स ही हमारे। सो अब इसका अगला टॉपिक आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे शो, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। सबसे पहले हमें एरोज के अंदर एक लाइन बनानी है। सेंटर में वी हैव टू राइट 0 एंड देन यहाँ पे राइट साइड पे जाएंगे तो नंबर आते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे अगर हम जाते हैं तो नंबर आते हैं नेगेटिव, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये होती है। अब आती है इसमें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंटीजर्स की, चार तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर हम एक इंटीजर को, ये आती है क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन की, यानी कि एक इंटीजर हो सपोज 2 और दूसरा इंटीजर हो सपोज -3, तो जब हम इनको एड करते हैं तो आंसर्स भी हमारे इंटीजर्स ही आते हैं। और सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, एक इंटीजर्स को अगर हम दूसरे इंटीजर्स से माइनस कर रहे हैं तो आंसर भी इंटीजर्स ही आएगा। एंड सेम विद द मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज, किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर विल बी इंटीजर। नेक्स्ट आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन की अगर हम बात करें कि अगर हम a प्लस बी करते हैं वो इक्वल होता है b प्लस a के। सपोज मैंने a को लिया 1 एंड b को लिया 2, तो b की जगह 2 और a की जगह 1, दोनों जगह आंसर हमारा 3 आएगा, यानी कि सेम आएगा। अगर हम इन डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो आंसर विल बी सेम। अगर यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में करते, यानी कि अगर हम a माइनस बी और b माइनस a करते, तो अगर हम साइन चेंज करते 1 - 2 हमारा होता -1 और 2 - 1 होता 1, तो ये सेम नहीं आते। तो दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अगर हम बात करते हैं, एडिशन के लिए अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसका मतलब होता है हमें 3 डिजिट लेनी है, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी। फर्क क्या है कि हम इस साइड यहां ब्रैकेट लगाएंगे और दूसरी साइड अदर 2 नंबर्स पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। सपोज a को मैं 1 मानती हूँ, b को 2 और c को 3, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर दोनों जगह सेम आएगा। 1 + 2 = 3, 3 + 3, 2 + 3 = 5, 5 + 1 = 6, दोनों जगह आंसर हमारा सेम आएगा। दैट मीन्स की एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ साइन चेंज करके हम देखेंगे क्या होता है। अगर मैं 1 - 2 करती हूँ -1 - 3, 1 - 2 - 3 करती हूँ तो -1, -+3 + 1 = 4, -+ करने पे साइन हमारा हमेशा माइनस का ही आएगा। और अगर हम 1 - -+1, तो आंसर दोनों जगह आप देख सकते हैं अलग आ रहा है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन पे। क्या होता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट। लेट सपोज a को 1, b को 2 और c को 3। अगेन a को 1, b को 2 एंड c को 3 लेट करते हैं। 1 × 2 = 2, × 3 = 2, 3 = 6, 2 × 3 = 6, × 1 = 6, दोनों जगह आंसर हमारा सेम आएगा। दैट मींस कि मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम। प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की मैं आपको समझाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमने नंबर को किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। सपोज कीजिए a
इनटू बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आएगा और एडिशन भी आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बीच में साइन है वो साइन लगाएंगे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टू इंटू वन प्लस थ्री, टू को पहले वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो बीच में साइन है वो लगाएंगे, फिर टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टू वन जा टू प्लस टू थ्री जा सिक्स, यानी कि एट। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव सॉल्व होती है। अगर मैं यहां माइनस लगा दू, तो यहां पे a मल्टीप्लाई बी सेम, बीच का साइन जो है वो बदल जाएगा और a मल्टीप्लाई सी सेम। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं, वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन, सो पहले टू इंटू थ्री, देन बीच में साइन माइनस, टू इंटू वन, टू थ्री जा सिक्स माइनस टू वन जा टू, दैट इज फोर। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। लास्ट चीज क्या है इस चैप्टर की वो हम पढ़ेंगे, वो ये है कि अगर कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो साइन को, सपोज मैंने माइनस वन और माइनस टू को मल्टीप्लाई किया, तो दो बारी जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कैंसल हो जाते हैं और टू वन जा सिंपल टू, पॉजिटिव में आंसर आता है। अगर हम एक जगह नेगेटिव ले रहे हैं, एक इंटीजर्स पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या होगा, कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, तो टू वन जा टू और माइनस का साइन एज इट इज। तो ये होते हैं साइन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लीकेशन में दो माइनस आए तो वो माइनस कैंसिल हो जाते हैं, अगर एक इंटीजर्स पे माइनस है एक इंटीजर्स पे प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर हम इसको एडिशन में करते हैं, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, प्लस प्लस मालूम है प्लस ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन वो आता है जो डिजिट बड़ी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, माइनस टू प्लस फोर, प्लस माइनस माइनस, लेकिन फोर माइनस टू इज टू, टू और फोर में से बड़ी डिजिट कौन सी है, दैट इज फोर, फोर के साथ क्या डिजिट है, प्लस, तो ये पॉजिटिव में आएगा। अगर मैं लिखती हूँ टू माइनस फोर, दैट मीन्स कि फोर के साथ नेगेटिव है और टू के साथ पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, फोर माइनस टू इज टू, लेकिन बड़े वाले एक डिजिट के साथ, यानी कि टू और फोर में से फोर बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।